الصبر بالدين فذلك الذي يضر اليتيم ولا يعز على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعروف. جی بٹ برادر فاؤنڈیشن پاکستان وائی انٹرنیشنل ضلع فیصل آباد کے زیر اہتمام پاکستان کے 76ویں یوم آزادی پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں زرعی عہدے دوران کے بچوں نے بھی شرکت کی. تقریب میں ضلعی صدر شفقات جمیل بٹ سمیت دیگر عہدے دوران نے شرکت کی. یوم آزادی کے موقع پر 25 پاؤنڈ کا کیک جبکہ بچوں نے الگ 5 پاؤنڈ کا کیک کاٹا. آئیے تقریب کی جھلکیاں دیکھتے ہیں. شوق سلطان بٹ ایم ڈی ٹی وی نیوز فیصل آباد. आपकी बारी आ गई भैया. चलो नारा ला दो यार इक दे. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. तेरा मेरा रिश्ता क्या. तेरा मेरा रिश्ता क्या. सबूत दो. काटना ये बस उनको पकड़ा है बस. अदला दीजिए कुछ. इसने बोला ना कोई निकल जाता भाग जाएगा. कोई नहीं तो मेरा मरियम इधर देखो. मरियम इधर देखो. अथलीन साहब नाल भेजा. तस्वीर बना लो. डबल साहेब हर हमसे पूछते हैं कि 76वां यौम आज़ादी हम मना रहे हैं, क्या हम पाकिस्तान के जो मकासद थे हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, वो हम उस पर पूरा उतरे हैं या हम उनकी पासदारी कर रहे हैं. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद था. तो कायदे आज़म ने जो खिताब किया था उसमें सबसे पहले कायदे आज़म ने ये कहा था कि पाकिस्तान बनाने का हमारा मेन जो मकसद है कि इंशाल्लाह जो भी दीनी मामलात होंगे, दीन के जो इबादत के मामलात होंगे, वो इसको इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को बाकायदा पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बनाएंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ऐसे मामलात बहुत सारे हो रहे हैं जिस वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया का और उम्मत मुसलमान का अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदा बना हुआ है. माशाल्लाह जी. दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मीडिया के जो साथी हैं मसूद भट्ट साहेब. और हमसे पूछते हैं कि जो हम आप 76वें यौम आज़ादी के सिलसिला में जो हम ये काम कर रहे हैं बट बरादरी फाउंडेशन,
क्या हम अपने उस मकसद को पूरा कर रहे हैं? जितना सबसे पहले के मैं बागी फाउंडेशन के प्लेटफार्म से अपने पाकिस्तानी कौम को ये 76वां यौम आज़ादी के मौका पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो यौम आज़ादी का दिन है, ये हमें इस बार की याद दिलाता है कि हमने इस पाकिस्तान को मिलकर तमीर और तरक्की के लिए इसको आगे लेके जाना है और इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह ताला ये बागी फाउंडेशन और हम पूरी कौम के साथ मिलकर इसकी तमीर और तरक्की के लिए दिन रात एक करेंगे और इस बार का हम अहद करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। हाँ जी, हमारे साथ बहुत मौजूद हैं ज़ाहर महमूद भट्ट साहब। हम उनसे पूछते हैं कि आइंदा के आपके लाए अमल क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे रहनुमा थे, उन्होंने पाकिस्तान एक फ्राई रियासत बनाने का अज़म किया था और फ्राई रियासत बनाने में कामयाब हुए। भट्ट बरादरी फाउंडेशन कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चल रही है और फलाही काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह फलाही काम करते रहेंगे और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कोशिश। हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं नायब सदर अयूब भट्ट साहब। अब हम उनसे पूछते हैं कि आइंदा का लाहे अमल क्या है? भट्ट बरादरी जो दुखी इंसानियत की खिदमत कर रही है, आप आइंदा के लिए क्या करना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आइंदा लाहे अमल जो हमारा है, जो भी गरीब लोग रहते हैं इंशाल्लाह इनकी भी भरपूर खिदमत की जाएगी। और पिछले दिनों में जो मंडी में जो हादसा हुआ था, उसके मामलों में भी हम इंशाल्लाह पूरा तावन किया हम गए थे, ठीक है। तो इंशाल्लाह जितने भी गरीब घराने हो सके इंशाल्लाह उनकी मजीद उनकी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान के साथ हमारी यही दुआ है कि पाकिस्तान को दिन दोगुनी रात चौगुनी अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए और पाकिस्तान को इंशाल्लाह को नेक, अच्छा, परहेजगार और आवाम का खिदमतदार हुक्मरान अता फरमाए। जो कि आज 76वें यौम आज़ादी के सिलसिला में केक काट रहे हैं, हमारे पास मौजूद हैं भट्ट बरादरी फाउंडेशन ज़िला फैसलाबाद का सर शफकत जमील भट्ट साहब। हमसे पूछते हैं कि आप ये आज जो केक काट रहे हैं, कि आप समझते हैं कि कायदों के इफ्तार के मुताबिक आपने काम कर लिया है? शौकत भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आज ज़िले सदर भट्ट बरादरी फाउंडेशन अपने पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी के मौके पर आज हमने केक काटा है और इस चीज़ का अज़म किया है कि हम अपने प्यारे प्यारे पाकिस्तान के तरक्की और फलाह बहबूद के लिए हर दम हमारी जान हाजिर है। ये मुल्क हमारे बड़ी लाजवाल कुर्बानियों के सिले में हमें मिला है और इंशाल्लाह हमारी जान माल अपने बदन के लिए हाजिर है। हम पाकिस्तान की फलाह के लिए, इसकी तरक्की के लिए हर दम कोशिश हैं और पाक फौज और हमारे दूसरे इदारों और हमारे रहनुमाओं की मेहनतों का नतीजा है। इंशाल्लाह हम लोग अपने वतन के साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो। पाकिस्तान